Ladies and gentlemen, my guest tonight is a well-known Punjabi American, a prominent Punjabi journalist, a colleague and a friend. He also runs a newspaper and hosts the very popular Ajda Muda on her sister channel, Just Punjabi. Please welcome Mr. Harvinder Singh Riya. Thank you. How are you? थैंक यू। सब कुछ ठीक ठाक? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑफिस का रास्ता ठीक ठाक से आ गए थे? बस यही भूलना बाकी है अभी है। रियाज जी, कैसा लगा आपको मेरा ये सेट छोटा सा? बहुत अच्छा। आप ही से सीखा हूँ। अरे क्या बात, मुबारकबाद दे दीजिए आपको। बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरी हर भक्त दिल से, दिल की गहराई से मुबारकबाद होती है आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रियाज जी, तो बातचीत तो वैसे आपसे कई बार हुई है। हम लोगों ने एक शो भी पहले किया था, रेस टू रेस कोस्ट रोड, बिल्कुल, जो कि जनरल इलेक्शन पे था। जब आपसे इतनी बार बात हुई तो आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप कितने साल से मीडिया बिजनेस में? हाउ मेनी इयर्स? मैं अजान इस दिसंबर जो है एंड के बाद में 25 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। 25 साल? सो 25 इयर्स। ओके वंडरफुल। तो आपकी शुरू से बताइए, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ऐसे होता है कि जैसे ये बोलते हैं ना, कांटे होते हैं वो जब जमते हैं तब से तीखे होते हैं, तो कुछ चीज़ें होती है गॉड गिफ्टेड होती है। तो मैंने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद जब मैंने एक साल मैंने गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जंडियाला में लगाया, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर से ग्रेजुएशन की। मगर मैं पहले साल ही, मेरे को पोइट्री का शौक था, मगर मैं पोइट्री देने जलंधर गया, ये 90 के करीब की बात है। अच्छा, तो उस वक्त भी माहौल खराब था, मगर मैं तो उस वक्त थोड़ा बच्चा भी 90s तक के माहौल खराब था। 90-93 और 94 तक भी माहौल खराब था। अच्छा, और ये आप कौन से शहर की बात कर रहे हैं? मैं जलंधर की बात कर रहा हूँ। जलंधर, जलंधर हब है पंजाबी न्यूज़पेपर की। अच्छा, राइट। तो आप वहाँ पे कौन से कॉलेज में थे एक बार? आप? मैं गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर। तो आपका रुझान हमेशा इसी आर्ट्स में था। पढ़ाई में आप कैसे थे? पढ़ाई जैसे थे कि अच्छे थे? नहीं, पढ़ाई में तो मैं 3 घंटे का जो एग्जाम होता है मैं 1.5 घंटे देता। मेरे को मालूम है कि इस पढ़ाई का मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। 33% नंबर पास होने के लिए, पेपर की डिग्री के लिए जरूरत है और कुछ नहीं है। नहीं, सही बात है। अच्छा, तो आप बता रहे फिर तो अजान में पोइट्री देने गया वहाँ न्यूज़पेपर में, तो वहाँ फोर्स वगैरह थी। मैं घबरा के कुछ ऐसे सीढ़ियाँ, गाँव के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, तो वापस आ गया मैं। तो वापस नहीं आया, वापस आता था, 2-3 जगह पे गया, मगर मेरे को एक नया जमाना न्यूज़पेपर था जो जगजीत सिंह आनंद, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। ओके ओके। और रीजनल न्यूज़पेपर था? या रीजनल, बेसिकली वो CPI का, कम्युनिस्ट पार्टी का न्यूज़पेपर था। अच्छा। हाँ, तो वो मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, वो गर्मी थी और पंखे के नीचे बनाइन डाल के सोए पड़े थे, और मैं गया, मेरे को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और आवाज़ लगाई डेस्क के एक न्यूज़ एडिटर को, ये परवाना, ये बच्चे की हर कविता जो है पेपर में छाप देना है। क्या बात है! अरे मैं बड़ा खुश हुआ। तो बात होती, कितने साल के थे आप इस वक्त? मैं अजान, मेरे को साल तो नहीं मालूम, मैट्रिक की थी मैंने। हाँ, तो मतलब 17-18 साल, 17-18 साल का हूँगा। ठीक है ना जी। तो 17-18 साल का, स्कूल में भी मैंने यूनियन बना के रखी हुई थी, स्टूडेंट फेडरेशन। हाँ, अच्छा, तो मैं इस बार एक इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, राइट, तो शुरू में एक, यू नो, वो 17-18 जो एज होता है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। तो जो, जब आप इस न्यूज़पेपर से जुड़े होंगे तो ये आपकी आइडियोलॉजी को भी थोड़ा सा इसने टच किया होगा। वो मेरी आइडियोलॉजी पहले से ही थी। जो लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ समाज में विचरते हैं, समाज में बात करते हैं, कुछ बोलना जानते हैं, तो उनकी फाउंडेशन पहले से ही जो मार्क्स बात था, जो रशियन रेवोल्यूशन थी जी। और उसके बाद जो वर्ल्ड रेवोल्यूशन आई और जो कार्ल मार्क्स की कैपिटल सरमाया थी, जो ऐसी चीजें थी, और मतलब उनको तुम कभी भी जिंदगी से इग्नोर नहीं कर सकते। रसूल हमजा तोप के मेरा दागिस्तान को नहीं कर सकते। अलेक्सेंडर पुष्किन की जो रचनाओं को नहीं कर सकते। मैक्सिम गोर्की की माँ को नहीं कर सकते। ये चीजें बेसिक है। जिसने तो आप कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से, मैं, मेरे को लगता है आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, एंड वेरी क्लियरली, नॉट इन द रॉन्ग वे, राइट, नहीं, किसी हद तक, जब तक कम्युनिज्म रहा है, जब तक कम्युनिज्म रहा है उसमें जान रही है। और कुछ आज भी चाइना में
चाइना में नहीं, हिंदुस्तान में अभी 15 साल पहले तक किंग मेकर रहे हैं। हरकिशन सिंह सुरजीत ने कितने जो वो सब में नहीं पढ़ते हम लोग, अच्छी बातें कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपकी पोइट्री का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन व्हाट आई वांट टू गेट टू इज दूरदर्शन टीवी के ऊपर मेरी पहले से तमन्ना थी। टीवी के ऊपर कुछ सॉन्ग थे तो सॉन्ग मैंने जो थे उनके ऊपर एक्ट किया था। अच्छा, जो पिक्चराइजेशन होती थी सॉन्ग की, हाँ, तो प्लेबैक उनके मतलब, प्लेबैक के ऊपर एक्ट्स जो मैंने किए दूरदर्शन, शाहरुख वाहरुख की तरह। अरे नहीं, मतलब उसको थोड़ा थे तो एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट हम लोग, एक मिनट मैं आपको, जब ये बात हो ही रही है उस वक्त की जवानी की, जब आप जवान हो गए, वैसे आप अभी भी जवान हैं। हाँ, मुझे मैंने बोला आपको शायद शक है। नहीं नहीं, आप अभी भी जवान हैं। लेकिन उस वक्त एक मैं आपकी, यू नो, आई वुड लाइक टू शो आपकी एक यंग तस्वीर हम लोगों ने निकाली है। एक मिनट, ये देखिए। ओ वाह, ये लश्कारा के टाइम की है। ये लश्कारा के टाइम की है। अच्छा, ये जो आदमी जो मैं फोटो में देख रहा हूँ जी, इस पे लड़कियाँ खून से सनी चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिख के भेजती थी कुछ ऐसा। तो ऐसे हालात में लड़कियाँ मरती है, मगर मैं पानी पिला देता, पानी पिला के बचा लेता था। ये एडवाइस अच्छा है, राइट। लेकिन नहीं, वैसे आपके कोई पर्सनल लाइफ में, शादी के पहले मैं जानता हूँ आपकी भी शादी हो चुकी है और आपके दो बच्चे हैं, लेकिन कोई अफेयर कुछ डालना चाहेंगे? अकेले को बता दूंगा तो शादी करवाने के आया हुआ है। नहीं नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ शादी के पहले, जब भी लश्कारा के वक्त में। अच्छा, खैर, तो लश्कारा में आपका ये कैसे हुआ? देखो, मैं लश्कारा में, मैंने आजान वहाँ जो ऑडिशन था मैं देने गया, और 500 आदमी था, 3 लोगों को रखना था। जब मैं वहाँ गया तो कोई DAV कॉलेज, कोई दुआबा कॉलेज, कोई कहाँ से, कोई लुधियाना से लोग आए हुए, पढ़े लिखे, अच्छे कपड़े डाले हुए, गाँव वाले के कपड़े, पैंट शर्ट भी आपको मालूम है। मगर मेरी सारी फैमिली कैनेडा में थी, तो मैं अच्छे, मेरे कुछ पास थे नाइकी और रिबॉक मंगा लिया, मतलब था मैं तो। जब मैं वहाँ गया, मगर मैंने बोला नहीं भाई, यहाँ बात नहीं बनेगी, 3 आदमी रखने हैं, ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग ज्यादा आए हुए हैं, हम तो 33% नंबर लेके अगली क्लास में जाने वाले लोग हैं। तो मैं वापस आ गया वहाँ 2-3 घंटे रुकने के बाद। अच्छा, मेरा दोस्त था मेरे को साथ में लेके गया। अच्छा, तो बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, तो वो बोलता कि नहीं नहीं नहीं, वो जिद करने लगा और रास्ते में से वापस स्कूटर जबरदस्ती। क्या नाम था, क्या नाम था इस दोस्त का? सुखा। सुखा के लिए प्लीज लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। सुखा ने जो स्कूटर मोड़ी बेसिकली यहाँ पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो हम वहाँ गए, जब मैंने ऑडिशन दिया तो जब तीसरे दिन लिस्ट लगी 3 लोगों की, तो 2 लड़कियां थी, तो एक अकेला मैं लड़का था। अच्छा, तो 2 लड़कियां और एक लड़का, एक लड़के आप। लश्कारा बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं सुनने में, लश्कारा से पॉपुलर कोई प्रोग्राम आज तक भी दूरदर्शन का नहीं है, क्योंकि प्रसार भारती का उस वक्त तो दूरदर्शन ही था, कोई भी प्राइवेट तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, सिर्फ लश्कारा था। ओहो, राइट। तो लोग टीवी देखते थे, और वो वक्त भी ऐसा था कि कई लोगों के घरों में टीवी नहीं था, और दूसरे के घरों में जाके राइट बैठ जाते थे। अच्छा, त्रियार जी, यहाँ पे वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर रियार इज इन आवर स्टूडियोज, वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू हिम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। व्हाट द फर्स्ट